नए साल की शुरुआत के साथ झारखंड में सर्दियों का सितम बदस्तूर जारी है और कहीं ना कहीं सर्दियों से लोग परेशान हैं। ऐसे में रांची स्थित रिम्स अस्पताल में भी मरीजों का हाल खस्ता नजर आ रहा है। यहां तक कि ये मरीज जमीन पर फर्श पर अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के बावजूद मरीज जो है यहाँ महीनों से फर्श पर इलाजरत हैं और कहीं ना कहीं विभाग को डॉक्टर से ये गुहार लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब जल्द इलाज कीजिए, क्योंकि सर्दी हमारी जान का काल बनता नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रांची के रिम्स अस्पताल की है, जहां लोग महीनों से इलाज के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। कब आए हैं आप और कहां से आए हैं? जमशेदपुर से। कहां से? जमशेदपुर से। क्या हो गया था इनको? साइकिल से गिरा हुआ था। साइकिल से गिरे? हाँ। क्या हो गया? गिर के मुंडी में चोट लगा हुआ था, खून जम हुआ था। इलाज के लिए क्या कहते हैं डॉक्टर? ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन कब होगा, कितना टाइम में होगा वो बात नहीं पता। एक महीना से आप यहाँ पर हैं और अभी तक पता नहीं है कब होगा? पता नहीं है, वो डेली तो डॉक्टर आता रहता है, पूछते रहता है, लेकिन कैसे है कैसे नहीं, हम लोग बोल देते हैं कैसे हाल चाल है बोल के, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए अभी तो कुछ नहीं बताया। क्या बात है, समय का पहिया घूम रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन रिम्स अस्पताल का जो पहिया है ये कहीं ना कहीं स्लो हो गया है। सिर्फ पहिया ही नहीं बल्कि यहाँ का जो सिस्टम है वो स्लो नज़र आ रहा है। लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं बाबा आप, क्या हुआ आपको? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से क्या हो गया था? मेरा वाइफ का बोन टीवी, कमर का ऑपरेशन होने वाला है, बोन टीवी है। कब आए हैं आप यहाँ? 30 तारीख को। 30 तारीख को, अभी 2-3 दिन हुआ है ना? नहीं, अगला 30 महीना, यानी एक महीना पहले। एक महीना पहले। तो क्या बोलना है डॉक्टर को, दिखाए क्या बोले, रिपोर्ट उपोर्ट आया? रिपोर्ट उपोर्ट आ गया है, ब्लड चढ़ाने के लिए बोले हैं। तो ब्लड के इंतजाम कर रहे हैं। तो सुना आपने, एक महीना पहले से ये आए हुए हैं और अभी भी मरीज के परिजन अपने मरीज को ब्लड चढ़ाने के इंतजार में है, यानी एक महीना बीत जाने के बाद भी मरीज को ब्लड की जो ज़रूरत है वो उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो ऐसे में सरकारी सुविधाओं की बात हम क्या करें, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात क्या करें, मरीज यहाँ अपना इलाज के लिए तरसते हैं। आप कहाँ से हैं? हम बोकारो से। बोकारो से कब आए हैं यहाँ? हो गया सप्ताह भर। सप्ताह भर क्या हो गया, किसको लेकर आए हैं? अपने हस्बैंड को लेकर आए। क्या हो गया उनको? सर पे चोट लगा, पीछे बैक साइड में। तो क्या कहना है डॉक्टर का, इलाज उलाज हो रहा है? हाँ, इलाज हो रहा है। अच्छा, यहाँ ठंडा नहीं लगता आप लोगों को इस तरह से जो चादर लगा हुआ है? लगता है ना? हाँ। तो इसके लिए नहीं बोले आप लोग कुछ घेर घार के करने के लिए? नहीं बोले, सब ऐसे ही रह रहा है। ऐसे ही रह रहा है। क्यों ऐसे रह रहे हैं? कम्बल उम्बल कहाँ से लाएंगे सब? ये घर से लाया हुआ है। घर से लाया। सुनिए, सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि सर्दियों का सितम लगातार जारी है, ठंड से लोग परेशान हैं, लेकिन मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं कहीं ना कहीं चिंता पर डाल रही है। फर्श पर इस इंतज़ार में मरीज हैं कि उनका बेहतर इलाज हो सके, लेकिन ठंड जो है इन्हें सता रहा है। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या हुआ, कहां से आए हैं आप? हम लोग नदी से आए हैं। कहां से? दाना। अच्छा, कब आए हैं यहां? हम लोग आज ही कल आए हैं। तो आज ही कल आए? हाँ। अच्छा, ठंडा उंडा लगता है यहां? पूरा शॉल उल तोड़ के आप हैं, यानी ठंडा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा तो ठंडा लगबे करेगा। हाँ। तो जमीन पर काहे हैं, बेड उड नहीं दिया? ये तो बेड मिला है, यही बेड है, जमीन वाला बेड। हाँ। क्या बात है, ये जमीन पर बेड लगा हुआ है, यानी फर्श पर जो इलाज चल रहा है इसी से लोग संतुष्ट हैं कि चाहे बेड जैसा भी मिले इलाज बढ़िया हो जाना चाहिए। आप लोग कहाँ से हैं? हुसैनाबाद। हुसैनाबाद। क्या हो गया इनको? एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ है ये? 1 जनवरी को। अच्छा, 1 जनवरी को। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे चादर उधर घेर के हैं, ठंडा नहीं लगता? ठंडा कैसा है पहले बताइए तो, रात में कैसा लगता है यहाँ? ठंडा लगता है। ठंडा लगता है ना, इसके लिए कुछ इंतजाम है? घर से लाए हैं चादर। आप बताइए बाबा, ठंडा तो बड़ा जोर बढ़ रहा है, सब लोग परेशान है, ठंड में यहाँ रात में कैसा लगता है आप लोग? ठंडा तो लगवे करता है सर, लेकिन अब गैरेज में तो रहना जरूरी है। है कि नहीं? माने मजबूरी है? मजबूरी है नहीं तो बताइए, बेड उड होना चाहिए सब। कहाँ जो है कि देख रहे हैं नीचे अपना। यहाँ तो बड़ा अच्छा चादर उधर लगा दिया है।
सब लगा दिया है, गर्मी लगता है। चलिए, इनके चेहरे की मुस्कान इस बात को जरूर बता रही है कि चादर के सहारे ठंड को भगाया जा रहा है रिम्स अस्पताल से। लेकिन आप भी सोचिए, क्या चादर के सहारे ठंड को भगाया जा सकता है? उन रसूखदार लोगों से भी ये सवाल है, उन पदाधिकारियों से भी ये सवाल है कि आखिर चादर के भरोसे मरीज क्यों? लोग गर्म कपड़े, मोटे कपड़े सर्दियों में पहनते हैं, लेकिन यहाँ के मरीजों को चादर से सर्दी बचाने का उपाय दे दिया गया है। ज़रूरत है ऐसे विभाग में, विभाग को सोचने की कि मरीजों को जो उचित सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही। सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और ऐसे मरीजों को सहायता प्रदान करने की ज़रूरत है ताकि इन्हें भविष्य में बेहतर सुविधा के साथ साथ बेहतर इलाज भी मिल सके। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।